चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन है, प्रूव दैट बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू गामा एन, गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। तो कैसे से सॉल्व किया जाएगा? एग्जाम में ही आता है तो ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बीटा फंक्शन, मतलब बीटा ऑफ एम कॉमा एन एंड गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए, ये बीटा फंक्शन है एम कॉमा एन का और ये गामा फंक्शंस है एम और एन के, तो इनके बीच का ये रिलेशन है। ये कैसे आपको प्रूफ करना है, देखिए हमें ये पता है कि गामा ऑफ एम इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है इंटीग्रल फॉर्म में। तो अगर मैंने यहां पर क्या किया, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो dt is equal to क्या हो जाएगा, dt is equal to twice of x dx, ये dt की वैल्यू हो गई। सब्स्टिट्यूशन करते लिमिट, हालांकि x is equal to 0 पे 0 आएगा t, x is equal to infinity पे t infinity आएगा, लिमिट तो सेम रहेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, गामा ऑफ m is equal to लिमिट 0 to infinity ही है, ये हो जाएगा e to the power minus of x square x to the power 2m माइनस टू, क्योंकि आप अगर टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो पावर में टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डी टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी टी की जगह मैं लिखूंगा टू एक्स डी एक्स, और ये जो एक्स है पावर के साथ ऐड हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा। देखिए गामा ऑफ एम किसके बराबर, गामा ऑफ एम बराबर टू, पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ, लिमिट अभी भी जीरो टू इन्फिनिटी है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ साथ एक्स अगर पावर में ऐड हो जाएगा x to the power 2m minus 2 plus 1 हो जाएगा। तो gamma of m is equal to twice of limit अभी भी 0 to infinity e to the power minus x square x to the power 2m minus 1 dx, ये निकल के आ गया। ये तो gamma of m की वैल्यू है। अगर मैं ऐसे ही चाहूं तो मैं gamma of n भी निकाल सकता हूं, कितना आएगा देखिए, gamma of n is equal to, मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं, मैं x की जगह y लगा देता हूं, 0 to infinity सेम e to the power minus of y square y to the power twice of n minus 1 into dx, ये gamma of m। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने सपोज 1 बोल दिया इसको, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया इसको। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें gamma of m और gamma of n का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा गामा ऑफ m गामा ऑफ n इज इक्वल टू, अब देखिए 2 यहां भी है 2 यहां भी है तो 4, लिमिट हो गई 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर x टू द पावर 2m minus 1, इसके बाद e to the power minus of y square y to the power 2n minus 1 dx dy, इतना। थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिखूंगा गामा ऑफ n और गामा ऑफ m और n, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, 4 टाइम्स ऑफ 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी। अब e की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसके बाद बचा है x टू द पावर 2m माइनस 1 y टू द पावर 2n माइनस 1 dx dy। अब हम इसे चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू, आप जानते हैं r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r sin थीटा, dx dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r dr d थीटा, और लिमिट अगर हम जानते हैं रेडियस ऑफ सर्कल होता है तो r की जो लिमिट जाएगी वो कहां जाएगी, 0 टू इंफिनिटी
और जो थीटा है वो कहां से कहां तक जाएगा, थीटा जाएगा 0 से पाई बाई 2। ये सारी की सारी लिमिट्स आप पुट कीजिए। देखिए गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन इज इक्वल टू 4 तो मेरे पास था ही, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, आर कहां से कहां 0 से लेके इंफिनिटी, ई टू द पावर। अब देखिए अगर मैंने यहां पर x की जगह r cos theta रखा तो माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब x की जगह मैंने r cos theta रखा है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह r cos theta, तो r टू द पावर कितनी हो जाएगी पावर, अब पहले तो r cos theta टू द पावर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 इनटू, यहां पर क्या हो जाएगी पावर y के जगह r sin थीटा रखेंगे तो r sin थीटा टू द पावर क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। अच्छा अभी मेरे पास dx और dy की जगह मैं क्या रखूंगा r dr d, इतना हो गया, लिमिट हमने सब कुछ लगाई दिया। अब इसके बाद गामा m इज इक्वल टू 4 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 से इंफिनिटी, ये लिमिट है किसकी थीटा की, ये लिमिट है किसकी r की, इतना हो गया। अब आप जानते हैं r स्क्वायर कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसको तो मैं सीधा लिख देता हूं e टू द पावर माइनस ऑफ r स्क्वायर, सिर्फ इतना ही। अब यहां पर क्या निकल के आएगा बहुत ध्यान से समझना, r टू द पावर 2m माइनस 1, r टू द पावर 2n माइनस 1 और एक r ये भी है, तो r की जो पावर है वो 2m माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 और एक r यहां से भी लिया अपन ने प्लस 1 लग गया क्योंकि एक r ये भी है। अब बचा मेरे पास cos टू द पावर 2m माइनस 1, sin टू द पावर 2n माइनस 1 dr d थीटा, इतना हो चुका हमारे पास। अब आगे समझते हैं, ये जो r की पावर्स हैं यहां पर एक प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, मेरे पास अब बचा क्या है, मेरे पास बचा है गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, गामा ऑफ m और गामा ऑफ n बचा मेरे पास। और देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर r स्क्वायर, 4 तो मेरे पास था ही, एक लिमिट है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 है और r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है, ये मैंने लिखा e टू द पावर माइनस ऑफ r स्क्वायर, और ये मेरे पास है बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, r टू द पावर ट्वाइस ऑफ m प्लस n माइनस 1, यहां पर इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया 2 कॉमन लिया तो m प्लस n और माइनस 1 बचा, और साथ साथ मेरे पास क्या बचा हुआ है इनटू में है cos टू द पावर 2m माइनस 1 और फिर है sin टू द पावर h थीटा है 2n माइनस 1 थीटा d थीटा dr, इतना बचा हुआ। अब इतना सब करने के बाद गामा ऑफ m और n इज इक्वल टू, मैंने इसे किस तरीके से लिखा, मैंने इसे ऐसा लिखा कि 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ r स्क्वायर, साथ में हो जाएगा r टू द पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1, सॉरी m प्लस n माइनस 1 dr, और फिर अच्छा 4 अभी भी मैं बाहर रहने देता हूं, 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से अगर समझा जाए कि ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने कि गामा ऑफ m किसके बराबर होता है ट्वाइस ऑफ e टू द पावर माइनस x स्क्वायर x टू द पावर 2m माइनस 1, ये m की जगह होता है, तो ये जो आगे 4 है इसको 4 को मैं स्प्लिट कर दूं तो 4 को मैं क्या लिख दूं 2 इंटू 2 में ब्रेक करूं, तो मैंने एक 2 लगाया इधर और एक 2 यहां पर कर दिया मल्टीप्लाई इंटू 2, यहां पर लगाया एक 2, मैंने 4 को इस तरीके से ब्रेक किया, क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो बनेगा सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा गामा ऑफ एम प्लस, देखो जब एम है तो एक्स की पावर में एम आता है, यहां पर 2 के साथ एम आता है, पर जब यहां पर क्या निकल के आ रहा है एक्स की पावर में या फिर आर की पावर में, आर की पावर में क्या निकल के आ रहा है एम प्लस एन, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, देखिए गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन इज इक्वल टू ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है अप टू डी आर, ये बनेगा किसके बराबर, ये बनेगा गामा ऑफ एम
प्लस एन के बराबर। आपको बात को समझना है कि ए की पावर में जो भी वेरिएबल है, एक्स है, तो एक्स की पावर में ट्वाइस ऑफ एम आ जाता है गामा ऑफ एम के केस में। जैसे अगर आपके पास एन होता, जैसे मैंने यहां पर एन भी लिखा है, तो वेरिएबल क्या है, ए की पावर में वाई स्क्वायर है, तो वाई की पावर में ट्वाइस ऑफ एन आ जाता है, एन का गामा है अगर, तो यहां पर वेरिएबल क्या है, आर स्क्वायर, तो आर की पावर में ट्वाइस ऑफ एम प्लस एन आ गया, तो एम प्लस एन आ गया, तो गामा ऑफ एम प्लस एन का फॉर्मूला बाय डेफिनेशन। और ये जो है, ये सीधा सीधा इसको हमने समझा था पहले भी कि ये फॉर्मूला है डायरेक्टली बीटा ऑफ एम कॉमा एन। भाई बीटा ऑफ एम कॉमा एन बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये भी हमने डिराइव किया हुआ है। तो अब अगर मैं यहां से सीधा सीधा ये इनटू में आ गया, ये पूरा का पूरा जो है ये पाई बाय टू थी लिमिट, लिमिट क्या थी हमारी, पाई बाय टू थी। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बीटा फंक्शन की। तो अगर मैं यहां से बीटा ऑफ एम कॉमा एन निकालू, एम कॉमा एन निकालू, तो क्या हो जाएगा, गामा एम गामा एन, और ये जो टर्म है कहां आ जाएगा, डिवाइड में गामा ऑफ एम प्लस एन। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने गामा ऑफ एम की वैल्यू निकाली, टी इज इक्वल टू एक्स पर सब्सटीट्यूट किया, तो एक फंक्शन, फिर मैंने एन की वैल्यू निकाली, वेरिएबल चेंज कर दिया, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया और उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद तो मेरे पास एक तो बनेगा सीधा सीधा गामा ऑफ एम प्लस एन, और एक बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म किसका, बीटा फंक्शन का। तो बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गया, तो बस बीटा ऑफ एम कॉमा एन बराबर क्या हो जाएगा, गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिफ्लेक्शन फॉर्मूला की। एग्जाम में रिफ्लेक्शन फॉर्मूला नाम ना आए तो आपको लिखा हुआ दिया जा सकता है कि आपको इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है इस इक्वेशन को। तो कैसे हम करेंगे, हम ही जानते हैं कि बीटा ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू क्या होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। और बीटा फंक्शन किसके बराबर होता है, जीरो टू इंफिनिटी लिमिट एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स, इसके बराबर होता है। तो हमें बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है, पहले हमने ये प्रूफ किया प्रीवियस क्लासेस में और ये अभी हमने प्रूफ किया जस्ट। तो अगर मैं यहीं पर इसी में अगर मैं क्या पुट कर दूं, सपोज एम प्लस एन इज इक्वल टू, अगर मैंने वन पुट किया, एम प्लस एन इज इक्वल टू वन पुट किया, तो यहां तो वन हो जाएगा, पर इसके बाद ये जो न्यूमिरेटर है यहां पर जो एम है वो एम किसके बराबर हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एन के बराबर, क्या हो जाएगा, वन माइनस एन के बराबर हो जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, सीधा सीधा एम इज इक्वल टू वन माइनस एन रखेंगे, तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा एम की जगह वन माइनस एन का गामा फंक्शन, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी लिमिट एक्स टू द पावर एन माइनस वन, माइनस वन है डी एक्स अपॉन एक्स, ये वन प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब ये चीज जो है ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि ये चीज किसके बराबर होती है, ये डायरेक्टली बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर। लास्ट वाला नहीं, नहीं सही है वो, पता नहीं कैसे। और ये चीज हमने प्रूफ कर रखी है कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एन पाई, सॉरी पाई अपॉन साइन एन पाई, डायरेक्टली किसके बराबर हो जाता है, ये होता है पाई अपॉन साइन ऑफ एन पाई के बराबर होता है। आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, चाहें तो प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सकते हैं, हालांकि हमने प्रूफ किया हुआ है। तो बस यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि गामा ऑफ वन माइनस एन गामा ऑफ एन किसके बराबर हो जाएगा, पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर। और यही क्या है, यही रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे।